विदिशा में 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। वो घर के बाहर बच्चों के साथ निकली थी, गली से दौड़कर गुजर रही थी कि कुत्ता उस पर टूट पड़ा। बच्ची का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। कुत्ते के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जाती है, जहां नंदवाना निवासी मिलन अग्रवाल की 5 साल की बेटी आर्या अग्रवाल आइसक्रीम लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। अचानक आवारा कुत्ता बच्ची पर लपक पड़ा। कुत्ते ने आर्या को जमीन पर गिरा दिया। वहीं गली से निकल रहे दो लोग बच्ची की चीख सुनकर उसे बचाने दौड़े। इस घटना में बच्ची के पैर को कुत्ते ने बुरी तरह से नोच लिया है। परिवार और पड़ोसी उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां भर्ती कर लिया गया है। वहीं नंदवाना निवासी नवीन कोठारी ने बताया कि आवारा कुत्तों के संबंध में नगर पालिका को पूर्व में भी सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि शहर में सड़कों पर आवारा कुत्ते और सांड लोगों पर हमला करते रहते हैं, इससे लोगों में भय का माहौल है। अस्पताल में महज 2 दिन में 54 से ज्यादा लोग कुत्ते के काटने की वजह से पहुंचे हैं। डॉक्टर समीर किरार ने बताया कि 1 दिन पहले जहां 30 व्यक्ति कुत्ते के काटने के बाद जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे, तो वहीं शनिवार को 24 इंजेक्शन लगाया गया। इनमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कर लिया गया है। इनमें नंदवाना क्षेत्र में रहने वाली 5 साल की आर्या अग्रवाल और तिलक चौक जामा मस्जिद का रहने वाला 6 साल का पुलकित माली भी शामिल है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।